नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में हाथी टीला क्षेत्र कब्रिस्तान में बनी बाउंड्री को बुलडोजर से किया ध्वस्त। मथुरा नगर निगम ने हाथी टीला क्षेत्र कब्रिस्तान में बनी बाउंड्री को बुलडोजर से किया ध्वस्त। बाबा का फिर चला बुलडोजर। मथुरा में बाबा योगी का बुलडोजर फिर एक बार कहर बरसा रहा है, जहां मंगलवार की सुबह थाना कोतवाली के हाथी टीला क्षेत्र कब्रिस्तान पर बनाई गई अवैध बाउंड्री को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे सहायक नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जमीन नगर निगम की है, जिस पर कुछ समूह के द्वारा अवैध कब्जा किया गया। यही नहीं, बेशकीमती जमीन पर बाउंड्री बना ली, जिसकी शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया गया एवं पाया कि भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन की टीम के सहयोग से बाउंड्री को ध्वस्त करा दिया, जहां कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, परंतु पुलिस प्रशासन के आगे एक न चली। जानकारी देते हुए राजकुमार मित्तल ने बताया एवं कहा कि नगर निगम की किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। इसी बीच नगर निगम की टीम जाने के बाद कब्रिस्तान क्षेत्र में टूटी बाउंड्री को देखकर लोगों में रोष व्याप्त हो गया और नगर निगम के द्वारा लगाए गए बोर्डों को उखाड़ फेंका, जिसके चलते हुए क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त हो गया। नगर निगम के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सहायक नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। अभियान चलाया गया है, क्या मामला है? जो ये हमारे आप देख रहे हैं अमरनाथ विद्यालय के पास, ये टीला के नाम से, जिसे प्रचलित नाम हाथी टीला है, उसके राजस्व अभिलेखों में हमारी 14 हेक्टेयर लैंड है। वो 14 हेक्टेयर लैंड हमारे जहाँ रास्ते पे खड़े हैं वहाँ से शुरू की और आखिर तक जाती है। उसी में जो एक बीच के हिस्से में, कुछ हिस्से में कब्रिस्तान है, हमने कभी कब्रिस्तान में, चूँकि कफन दफन का काम होता है, तो हमने कभी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, उनके पोजिशन में हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया। हालांकि वो संपत्ति भी नगर निगम की है, लेकिन ठीक है, चूँकि कब्रिस्तान हो रहा है, सभी के काम आ रहा है। कब्रिस्तान की आड़ में कुछ लोगों ने होली वाले दिन यहाँ पे बाउंड्री करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमारी जानकारी में आया, होली और शिवरात का शुभ दिन था, उनकी मंशा ये बता रही है कि उन्होंने होली के दिन काम करने का उनका पर्पज ये था कि 2-3 दिन छुट्टी होगी, अधिकारी कोई मिलेगा नहीं, पुलिस अपने लाइन ऑर्डर में व्यस्त होगी, तो हम यहाँ इसमें अपने जो कुकृत्य है उसमें सफल हो जाएंगे। हमें जैसी जानकारी मिली, हमने पुलिस का सहयोग लिया। पुलिस का सहयोग लेकर अपनी ETF के साथ मैंने उसी दिन 7 तारीख को होली के दिन जो बाउंड्री यहाँ करीब 30-40 फुट बन गई थी उसको मैंने हटवा दिया, उसके फोटोग्राफ लिए। लेकिन इन लोगों का शायद मंशा ही जमीन पर कब्जा करने की थी नगर निगम पे, ये अपने कब्रिस्तान की संपत्ति तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, तो इन्होंने 8 तारीख को रंग वाले दिन, इन्हें पता है कि रंग वाले दिन फिर फोर्स नहीं मिलना, अधिकारी नहीं मिलेंगे, 8 तारीख की शाम से इन्होंने फिर काम शुरू कर दिया और कल शाम तक ये कंटिन्यूस काम कर रहे थे। इनको बताया गया, बीच में रोका गया, बार बार हमने दिखवाया भी इसको, लेकिन ये अपनी मुठभेड़ पे थे और किसी भी तरह से उस बाउंड्री को हटाने के लिए तैयार नहीं थे। आज पुलिस बल की सहायता से CO साहब के निर्देशन में, SDM मैडम नीतू सिंह साहब थी, हमारी ETF थी, सबके सहयोग से और मीडिया का हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, हमने इस जो नगर निगम करोड़ों रुपए की संपत्ति थी उससे अतिक्रमण किया है। ये टोटल जमीन लगभग 14 हेक्टेयर है, लेकिन जिस जमीन से कब्जा हटवाया लगभग 20 से 25 हजार मीटर है। और ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो खाली है, कहीं किसी ने गाय बांधा, भैंस बांधा, वो अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण बेसिकली कहीं अगर कोई निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। अतिक्रमण दो तरह का, स्थायी अस्थायी। जो अस्थायी है वो हटता रहता है, लगता रहता है, चूँकि उससे संपत्ति की नेचर या संपत्ति पर स्थायी कब्जा नहीं हो पाता, तो हमारी ETF अपने आप से हटाती रहती है। जहाँ भी पक्के निर्माण हो रहे हैं या अतिक्रमण जानकारी में आ रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने यथास्थिति बनाने का ऑर्डर दिया था, तो ये ऑर्डर आज गिराने का आदेश किया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कोई यथास्थिति, मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, चूँकि मैं भी प्रभावित पक्ष था, तो मुझे भी बुलाया गया था, ASI भी थी, वक्त भी था और वक्त के प्रतिनिधि भी थे। वहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा साफ साफ ये कहा गया था कि 7 तारीख से पहले की पोजिशन आप कर दीजिए। जो वक्त के पदाधिकारी थे, जमालुद्दीन और शाकिर हुसैन वगैरह, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम 7 तारीख से पहले की पोजिशन रेस्टोर नहीं करेंगे। इसलिए आज